बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हर सुबह गीता का पाठ करते हैं, सितार बजाते हैं और खाली समय में किताबें पढ़ते हैं। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक समय ऐसा भी था जब वो चेन स्मोकर हुआ करते थे। इस बात का खुलासा खुद अमिताभ ने किया है। दरअसल साल 1980 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। हालांकि उन्होंने अब ये सब कुछ छोड़ दिया है। अमिताभ ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू में ये कहा था, मैं न धूम्रपान करता हूँ, न शराब पीता हूँ, न मांस खाता हूँ। पहले मैं मांस भी खाता था, शराब भी पीता था और धूम्रपान भी करता था, लेकिन अब 1980 मैंने ये सब छोड़ दिया। जब मैं कलकत्ता में था तब मैं एक दिन में 200 सिगरेट पी जाता था। जी हाँ, 200। लेकिन फिर मैंने बॉम्बे आने के बाद सिगरेट छोड़ दी। मुझे जो दिखता मैं वो पी लेता था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ बताते चले कि ऐसे में अमिताभ से पूछा गया कि क्या उन्होंने ये धार्मिक कारणों की वजह से छोड़ा था इस सारी चीज़ों को। तो इस पर अमिताभ ने कहा था, धार्मिक नहीं, व्यक्तिगत कारण से छोड़ा था। हमारे परिवार में मेरे पिता शाकाहारी, मेरी माँ मांस खाती है और इसी तरह जया भी मांस खाती है और मैं नहीं। कूली के दौरान हुई दुर्घटना के बाद अमिताभ ने दवाइयों के भारी डोज लिए। ऐसे में इस एक्सीडेंट के कुछ ही समय बाद वो मायस्थेनिया ग्रेविस नामक बीमारी से ग्रसित हो गए और फिर हेपेटाइटिस वायरस की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया। नतीजा ये हुआ कि उनका 75% लीवर संक्रमित हो गया और डॉक्टर के को लीवर का ये 75% हिस्सा काट कर अलग करना पड़ा। वो अब अमिताभ यानी कि 25% लीवर पर जिंदा है। हालांकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो 82 साल की उम्र में भी हर रोज शूटिंग करते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। फिलहाल इस पर भी क्या कुछ रहे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइफ।